तो भैया अगर बात करें शॉपिंग की तो ये एक ऐसा वर्ड है जिससे लड़कियां और लड़के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे जूते खरीदने हो चाहे क्लोथ्स खरीदने हो। और इन चीज़ों का क्रेज़ तो और बढ़ जाता है जब ऑनलाइन साइट्स पे हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब वो चीज़ें हम देखते हैं तो क्या करते हैं, फिर पेमेंट भी कर देते हैं कि घर आ जाएगी। तो पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। तो क्या होता है, एक पेमेंट होता है जो हम लोग करते हैं, पेमेंट में जाते हैं, नंबर भरते हैं, OTP आता है, सेंड करते हैं और पेमेंट हो जाती है और अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन वो पेमेंट कितनी सिक्योर है ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें भरोसा होता है कि वो सिक्योर्ड है, आपका कुछ भी चोरी नहीं होने वाला है। तो वो जो सिक्योर है पेमेंट, वो सिक्योर है किसकी वजह से, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल की वजह से। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या चल रहा है। साथ ही साथ ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नंबर वन स्टेप पे। देखिए, पेमेंट करते टाइम हम लोग को दो पर्सन दिखते हैं, पहला हम कस्टमर जो खरीदने गया है, दूसरा वो मर्चेंट जो हमें सामान बेचेगा। तो कस्टमर जो है और एक मर्चेंट है ये दिखता है, लेकिन तीसरा पर्सन और होता है, मतलब एक तरीके से मशीन होती है जिसको हम लोग प्रोटोकॉल का एक पार्ट मान सकते हैं, वो होता है इश्यूअर और बैंक। ये आपकी सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करता है कि आपका पेमेंट सिक्योर होने वाला है या नहीं, किस तरीके से। जब भी आप मास्टर कार्ड या वीज़ा डालते हैं अपना पेमेंट करने के लिए, तो एक इश्यूअर एक्टिवेट हो जाता है। वो ईश्वर जैसे ही देखता है आपने, वो ईश्वर जैसे ही देखता है आपने मास्टर कार्ड या वीजा डाला है, तो कस्टमर को एक रिसीव होता है डिजिटल सिग्नेचर। आपको नहीं पता चलेगा, वो इनसाइड एल्गोरिथम के अंदर हो रहा है। आपको एक डिजिटल सिग्नेचर मिल जाता है आपके जो भी आपने कार्ड डाला है उसका, साथ ही साथ आपको एक पब्लिक की मिल जाती है एक्सपायरेशन के साथ। मतलब कि आपका एक ट्रांजैक्शन टाइम फिक्स हो गया है, इतने टाइम के अंदर ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत लेट हो जाएगा। उसी लिए टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कई बार OTP में टाइमिंग आती है, वो इसी का एक पार्ट होता है। तो कस्टमर के पास एक डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है और एक पब्लिक की आ जाती है एक्सपायरेशन टाइम के साथ। और जो मर्चेंट होता है जिससे आप पेमेंट करने वाले हो, जिसको आप रुपए देने वाले हो, उस मर्चेंट के पास उसी इश्यूअर से, जिसको हम बैंक कह सकते हैं, बैंक कह लेते हैं, वो बैंक उसको देता है एक सर्टिफिकेट मर्चेंट को कि तुम ऑथराइज्ड मर्चेंट हो, तुम ही इस सामान को बेचने वाले हो। एक देता है मर्चेंट पब्लिक की। अब पब्लिक की क्यों दी जाती है, पब्लिक की इसलिए दी जाती है ताकि आप जो डेटा भर रहे हैं उसको हम इनक्रिप्ट कर सकें। इनक्रिप्ट करने से क्या होगा, वो डाटा चोरी नहीं होगा और कोई अटैकर उसको चुरा नहीं पाए। और मर्चेंट को क्या मिलता है, एक बैंक पब्लिक की मिल जाती है। वो बैंक पब्लिक की किस लिए होती है, वो पेमेंट की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए होती है। और वो ईश्वर ही मर्चेंट को देता है ताकि जब इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास से मर्चेंट के पास आए तो उसको स्टोर रखा जा सके। अब जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है ये इतना। अब जब इतना काम हो गया तो कस्टमर जो है, जो भी उसको सामान खरीदना था, वो ऑर्डर करेगा वेब ब्राउजर पर जाकर। तो कस्टमर ऑर्डर वेब ब्राउजर, कस्टमर ने वेब ब्राउजर पर ऑर्डर किया और वेब ब्राउजर कंफर्म करेगा मर्चेंट के सर्टिफिकेट को कि जिसको ये ऑर्डर दे रहा है वो वही है जिसके पास सर्च किया था या जिसका सामान लेना चाहता है। अब आपको पता चला जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसका क्या इस्तेमाल हुआ। तो जब ये कन्फर्म कर लेगा वेब ब्राउजर जैसे ही, तो शुरू हो जाएगा हमारा तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि वेब ब्राउजर जो भी ऑर्डर इंफॉर्मेशन है, मतलब आपने जो कुछ भी ऑर्डर किया है, जो भी सामान आपको लेना था, उसकी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर देगा मर्चेंट पब्लिक की से। जो मर्चेंट पब्लिक की दी थी गई थी उससे इनक्रिप्ट कर देगा। मतलब अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ मर्चेंट को पता है और आपको पता है। उसके बीच में अगर कोई आने कोशिश करेगा तो वो नहीं जान पाएगा क्योंकि सारा डाटा इनक्रिप्टेड हो गया है। किससे, मर्चेंट पब्लिक की से, सिर्फ मर्चेंट जानता है। और जो आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान सुनिएगा, आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन, आप जो मनी दे रहे हैं, वो हो जाएगी इनक्रिप्ट बैंक की पब्लिक की से। बैंक की पब्लिक की में आपका क्रेडिट कार्ड नंबर और जो भी डेबिट कार्ड नंबर है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब वो इंफॉर्मेशन भी छुपा दी जाएगी। और उससे बड़ी बात यह है कि मर्चेंट भी नहीं जान सकता कि क्या आपने फिल किया है।
मतलब बैंक पब्लिक की तो मर्चेंट के पास होती है, लेकिन उसके अंदर क्या इनक्रिप्ट होके आया उसको मर्चेंट नहीं जान सकता, जो सामान बेच रहा है वो नहीं जान सकता कि आपने क्या कार डिटेल्स भरी है या क्या करा है, बस उसको पेमेंट मिलेगी। तो जैसे ही बैंक पब्लिक की से चली जाएगी इन्फॉर्मेशन और शुरू हो जाएगा हमारा चौथा स्टेप, जो कि इस जगह पे है। अब ये चौथा स्टेप क्या कहता है कि अब मर्चेंट वेरीफाई करेगा कस्टमर के डिजिटल सिग्नेचर को, मतलब कि जो पेमेंट करने जा रहा है कस्टमर वो सही है कि नहीं, उसको वही है ना जो डिजिटल सिग्नेचर दिया गया था। तो जो डिजिटल सिग्नेचर मिला था स्टार्टिंग में उसको वेरीफाई कौन कर रहा है? मर्चेंट कर रहा है। और मर्चेंट जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेगा वो सारी इंफॉर्मेशन भेज देगा बैंक को, इश्यूअर जो है उसको भेज देगा, देखो भाई हमने सारा काम कर लिया है, ऑर्डर जो आपने किया उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिक की से हो चुकी है, जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बैंक की पब्लिक की से हो चुकी है, डिजिटल सिग्नेचर मैच कर लिए हैं, वही कस्टमर है जो लेने आया था, कस्टमर भी कंफर्म कर चुका है वही मर्चेंट है जिससे हम लेने जा रहे हैं, और बैंक के पास सारा खोपड़ा भेज दिया कि अब लो तुम संभालो, तुम देखो, तुम जानो। अब बैंक वेरीफाई करेगा मर्चेंट को, अब बैंक इसलिए वेरीफाई करेगा मर्चेंट को सर्टिफिकेट से कि ये वही मर्चेंट सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ना जिसको हमने दी थी सर्टिफिकेट, ऐसा तो नहीं कोई तीसरा आगे किसी और की इन्फॉर्मेशन दे रहा बाद में लोचा हो जाए। तो क्या है कि अब बैंक वेरीफाई का मर्चेंट को हर चीज देख लेगा और वो एक कस्टमर को डिजिटल सिग्नेचर सेंड कर देगा जिसको हम लोग OTP भी कहते हैं, और आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, सामान आपका उसी मर्चेंट से खरीद लिया जाएगा आपके द्वारा जिससे आप बुक करना चाहते थे, और आपका प्रोसेस डन हो जाएगा। ये पूरा प्रोटोकॉल था जो आपने समझा। अब इसी कुछ चीजें और होती हैं सेट प्रोटोकॉल के अंदर जिनको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या इंटेंटेड यूज़र और मर्चेंट है उसका पता होना जरूरी है। साथ ही साथ मैसेज मॉडिफिकेशन रेजिस्टिव होता है, मतलब अगर आप कोई काम करते समय मैसेज को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाएगी अटैकर द्वारा तो वो नहीं होगा, टाइम आउट कर दिया जाएगा, नहीं तो प्रोटोकॉल के कारण उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन लोग पार्ट लेते हैं, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी लेती है जो सर्टिफिकेट्स को देती है, दूसरा कस्टमर, तीसरा मर्चेंट, चौथा ईश्वर, और पांचवा जो होता है वो सर्टिफिकेट मतलब X590 सर्टिफिकेट जो होते हैं वो एक डिजिटली सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके द्वारा कंफर्म किया जाता है कि हर चीज़ लीगल और सही तरीके से हुई है। अब ऑथेंटिकेशन की बात करें तो सबसे पहला ऑथेंटिकेशन ये होता है कि सेट ये अलाउ करता है कस्टमर और मर्चेंट को कि वो अपना पुराना रिलेशन चेक कर सके, मतलब क्या वो पहले भी डील कर चुके हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये मर्चेंट ठीक है, हम इससे पहले भी सामान ले चुके हैं, भरोसे लायक है। दूसरी चीज होती है कस्टमर कार्ड होल्डर ऑथेंटिकेशन, मतलब आप अपने मैसेज को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने मैसेज की इंटीग्रिटी को चेक कर सकते हैं कि वो टैम्पर तो नहीं किया गया या कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी मुमकिन कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से पूरा सेट का प्रोटोकॉल समझाया जा सके। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी दोस्तों से भी शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी नाम की प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।